Dear students, today I am discussing a very interesting topic, which is combinational logic implementation using decoder. यानी decoder का use करके हमने अभी तक previous जितने combinational circuit बनाए हम उन्हें implement कर सकते हैं. जैसे decoder का use करके हम full adder implement कर सकते हैं, half adder implement कर सकते हैं, full subtractor, half subtractor या कोई भी ऐसा boolean function implement कर सकते हैं जो अपनी canonical form में हो. तो ये समझने के लिए मैंने यहाँ एक एग्जांपल ले लिया है, फुल एडर इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग 3-8 लाइन डिकोडर. इसको स्टार्ट करने से पहले हम फुल एडर का सर्किट समझ लेते हैं. फुल एडर आप सबने पढ़ा हुआ है, सबको समझा हुआ है. लेट अस डिस्कस इट्स ट्रुथ टेबल एंड इट्स फंक्शनलिटी. एज यू ऑल नो, फुल एडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विच इज यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक एडिशन ऑफ टू वन बिट नंबर्स. मीन्स कि 1+1 एंड इसमें एक थर्ड इनपुट और होता है जो कैरी होता है प्रीवियस सम का, यानी सी इन. सपोज वी वॉन्ट टू एड 3 bits, मीन्स कि वी कैन सेव फुल एडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विच इज यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक एडिशन ऑफ 3 bits. इफ वी टेक 3 bits, 1 bit is of the augend number, 2nd bit is the bit of addend number and 3rd is the C in, यानी carry from previous sum. और जब हम इनको add करते हैं then we get 2 outputs, 1 is sum and 1 is carry. This is sum, this is carry. Means कि full adder takes 3 inputs and it gives us 2 outputs. Now focus on the truth table of full adder. Here we have 3 inputs XYZ. X is the bit of augend number, Y is the bit of addend number and Z is the input carry from the previous sum. And when we add 3 bits, then the possible combinations are 8 combinations, and what will it gives us as a output? 0+0+0, sum is 0, carry is 0. 0+0+1, sum is 1, carry is 0. 0+1+0, sum is 1, carry is 0. 0+1+1, sum is 0, carry is 1. 1+0+0, sum is 1, carry is 0. 1+0+1, sum is 0, carry is 1. 1+1+0, sum is 0, carry is 1. 1+1+1, sum is 1, carry is 1. So in this way we get the output and we can obtain the function of output in the terms of min terms. So agar hum yahan par inki min terms likhe ya decimal code designation likhe, to this is the corresponding code for the min term 0, this is for 1, this is for 2, this is for 3, 4, 5, 6, 7. क्योंकि अगर हम इसे देखें तो दिस इज द बाइनरी ऑफ 0, दिस इज द बाइनरी ऑफ 1, दिस इज द बाइनरी ऑफ 2, 3, 4 एंड सो ऑन. इन दिस वे वी गेट द एक्सप्रेशन ऑफ सम एंड कैरी लाइक दिस. सम एस ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू समेशन ऑफ कौन कौन से मिनटर्म्स हम ले लेंगे. हम ले लेंगे यहां पर देखेंगे 1, 2, 4 एंड 7. 1, 2, 4, 7 के लिए S 1 है, तो वही मिन टर्म्स यहाँ आ जाएंगी 1, 2, 4 एंड 7. नाउ दिस इज द फंक्शन ऑफ या दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ सम. सिमिलरली वी गेट द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर कैरी C. तो C के लिए हमें क्या एक्सप्रेशन मिलेगा? XYZ इज इक्वल टू समेशन ऑफ कौन कौन से मिनटर्म्स के लिए 1 हुआ है, 3 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए एंड 7 के लिए. तो 3, 5, 6 एंड 7. नाउ वी गेट दीज टू फंक्शंस फॉर द फुल एडर. इफ वी इम्प्लीमेंट दीज टू फंक्शंस बाय द डिकोडर देन वी इम्प्लीमेंट फुल एडर यूजिंग डिकोडर. तो ये मैंने 3-8 लाइन डिकोडर ले लिया है क्योंकि फुल एडर की डेफिनेशन में 3 inputs and 8 outputs होते हैं, और 3 inputs 8 outputs प्रोड्यूस करने वाला जो डिकोडर हमारे पास है वो 3-8 लाइन डिकोडर है जिसमें 3 inputs and 8 outputs होते हैं. अब हमें करना क्या है, इस डिकोडर की फंक्शनलिटी इसके ब्लॉक डायग्राम से आप अच्छे से फेमिलियर हैं, हमें इससे इम्प्लीमेंट करना है फुल एडर. तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे कि जो हमारा सम का एक्सप्रेशन है 1,
1, 2, 4, 7 में टर्म्स को आगे बढ़ा देंगे, 1, 2, 4 एंड 7 इन मिनटम्स की लाइन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इनसे हमें क्या मिल रहा होगा, इनसे हमें मिल रहा होगा D1, D2, D4 एंड D7, यानी कि वो मिनटम्स मिल रही हैं जो हमें चाहिए सम के लिए 1, 2, 4, 7। तो 1, 2, 4, 7 को हमने आगे बढ़ाया और एक और गेट लगा दिया। और गेट क्यों लगाया? बिकॉज दिस इज अ समेशन एंड और गेट इज यूज टू रिप्रेजेंट समेशन। तो यहाँ भी हमें क्या मिल गया, हमें S का एक्सप्रेशन मिल गया, X इज इक्वल टू सिग्मा या समेशन ऑफ 1, 2, 4, 7। सिमिलरली वी गेट द एक्सप्रेशन फॉर द कैरी कि हम क्या करेंगे 3, 5, 6, 7 मेन टर्म्स के साथ, यानी कि 3, 5, 6 एंड 7 विंटम्स के साथ भी हम एक और गेट लगा देंगे। देन वी गेट C इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ 3, 5, 6, 7। देखिए, हमने अब इस तरह से डिकोडर की हेल्प से क्या बना लिया, फुल एडर बना लिया। और इसी तरीके से हम किसी भी कॉम्बिनेशनल लॉजिक को एडर डिकोडर की हेल्प से बना सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके दो मेन बेनिफिट्स होते हैं। एक तो ये कि इफ वी हैव डिकोडर सर्किट तो हमें बहुत सारे गेट्स का यूज करके लॉजिक सर्किट डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा जैसा कि हमने फुल एडर में बनाया था। हम डायरेक्ट डिकोडर उठाएं और उसके जिन जिन कॉम्बिनेशंस हमें चाहिए जिस जिसके लिए उसमें और गेट लगा दें तो हमें वो कॉम्बिनेशनल लॉजिक इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज रिडक्शन इन कॉस्ट। तो इस तरीके से बच्चों हम और भी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स डिकोडर से बना सकते हैं, जैसे हाफ एडर को 2×4 डिकोडर से बना सकते हैं, फुल सबट्रैक्टर को 3×8 डिकोडर से बना सकते हैं। आप इसे ट्राई करें बनाना।